सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। दुनिया में अगर मुझे जाना जाए तो मेरी पहचान दुनिया से होगी।
पे दम धोड़ा, नमक कर रोने लगी और कहने लगी, बाबा साहब बस करो आपकी समाज सेवा ने हमारे चार पुत्रों को धीरे धीरे निकल दिया। और जब रमा ने रो रही थी तब बाबा साहब बोले, रमा चुप हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे चार चार पुत्रों की कुर्बानी हो गई है, एक माँ के इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, मैं जानता हूँ देखो रमा आपके तो चार पुत्र भी मरे हैं। तो रमा मैं जानता हूँ हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, देश पर डाल भी नहीं कर सकता, आज मैं आपके आंसुओं की सौगंध खा करके कहता हूँ, इस पार्थिव शरीर की सौगंध खा करके कहता हूँ। Yeah.
Thank you.
नमस्कार। आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये बाबा साहब का कल जन्मदिन है 14 अप्रैल, जिसे कि हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। उसकी पूर्व संध्या पर हमने ये छोटा सा कार्यक्रम महिलाओं की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। इसमें आसपास की सारी महिलाएं आई हैं महिला संगीत में, जिसमें कि हम बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब लोग गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि ये मौका ये दिन हम लोग के लिए बहुत खास दिन है और इस दिन हम लोग बहुत हर्ष उल्लास से उनका जन्मदिन मनाते हैं। आसपास की सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, अपने अपने गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, डांस कर रही हैं। तो ये कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। आप लोग को कैसा लग रहा है बाबा साहब के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर, आप बताएं। आज जो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी महिलाएं इतनी हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगी, इतनी खुश हो रही हैं कि उनका चेहरा खिला खिला, डांस उनका इतना मतलब पैर रोकने से नहीं रुक रहा है और इतना अच्छा प्रोग्राम लग रहा है कि हमने सोचा भी नहीं था। और जितना अब सोचा ना, इसे हम डबल अगले साल सोचेंगे इस साल के लिए, और हमें ना उम्मीद लगाएंगे कि जल्दी से साल हमारी आए और फिर इसी मतलब इसी तरह से और ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे और उछलेंगे कूदेंगे डांस करेंगे और अच्छा सा प्रोग्राम मनाएंगे गाएंगे। हाँ, मेरा नाम वीना निगम है और ये सारा प्रोग्राम जो हम लोगों ने रखा है, हमारा एक योगा ग्रुप है, हम लोगों ने ये सोचा पूरे ग्रुप ने, हमारी जो बहनें हैं जो सारी योगा ग्रुप वाली हैं, जैसा आप देख सकते हो इन्हें सबको और बहनें बैठी हैं अभी, इन सब ने मिल के ही ये प्रोग्राम हमने बनाया है और सहयोग कराया, एक से एक बढ़कर बहन ने हिस्सा लिया है इसमें। सोचा नहीं था कि बाकी भी सच कह रही हैं बहनें कि हमने सोचा नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा। जो हमने पिछले साल मनाया था तो कम था और अब की बार इतनी उम्मीद से उल्लास के साथ मनाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल हमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम 13 तारीख को इस प्रोग्राम को रखते हैं। कल हम झांकियों में जाते हैं ना, हमारे बाबा साहब की झांकियाँ निकलती हैं तो हम लोग सब बिजी होते हैं, कल हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो इसलिए लेडीज संगीत हम एक दिन पहले रखते हैं 13 तारीख को, और हर साल रखते हैं और हर साल एक से एक बढ़कर प्रोग्राम सभी बहनें करते हैं। हमारे भाई भी साथ देते हैं, हमारे भाई लोग भी बहुत पीछे बैठे हुए हैं, हमारे सब साथ देते हैं और हर साल हम मनाते हैं यहाँ पे, जैसे सेक्टर 5 और 6 के सारे आवास प्रकाश के मिलके मनाते हैं हम सब लोग ये सब चीज़ ना, जो हम मना रहे हैं ना ये हर साल हम 3-4 लेडी, पिछले साल हमने 3 लेडियों ने प्रोग्राम किया था, अब हम 4-5 ने, लेकिन हमें नहीं पता था कि 4-5 के साथ जो हजारों लेडी हमारे साथ हो जाएंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारा है ना हौसला और बुलंद हो गया है कि हर सारी हमारी बहन है ना सारे हमारे साथ हैं। चलो, मेरा नाम उजाला है, मेरा नाम पिंकी है। अब की साल हम बहुत धूमधाम से बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे, अब की बार इतना अच्छा लगा है कि अब की बार सोच रहे हैं इससे चढ़ बढ़ के हम मनाएं बाबा साहब का जन्मदिन। इस साल हमने बहुत, अगली साल हम अच्छे से तैयारी करेंगे कि बाबा साहब का आने वाला जो जल्दी से साल आए और जल्दी से हम अच्छा सा और बढ़ चढ़ के जन्मदिन उनका मनाएं। नमो बुद्धाय। बहुत खुशी हुई आज बाबा साहब का जन्मदिन है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। नमो बुद्धाय। बहुत खुशी के जन्मदिन में, गौतम बुद्ध के जन्मदिन में और भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन में हमें बहुत खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि ये हमारा हमेशा इसी तरह धूमधाम से मनाता जाए। आप सबने देखा कि महिलाएं कितनी उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को मनाने के लिए और अगले साल भी ये लोग इसी तरीके से इंतज़ार करेंगी आज के दिन का, क्योंकि महिला संगीत तो अपने आप में ही बहुत ही मज़ेदार होता है, जिसमें महिलाएं उत्साह से आती हैं, जोश से आती हैं और बहुत ही खुश होकर ये प्रोग्राम हमारा होता है। थैंक यू। मेरा नाम रजनी सिंह है। आज 14 अप्रैल के दिन मैं बहुत खुश होती हूँ और मेरे यहाँ हर साल ये 14 अप्रैल जो मनाया जाता है, मैं अब तक इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा अपना सहयोग रहा, जो कि मेरी मूर्ति पूजा से भी उन्हें बिल्कुल मुझे वंचित कर दिया। और आज जब भी कभी ये 14 अप्रैल आती है या बुद्ध पूर्णिमा आती है, उस दिन मैं बड़ी धूमधाम से अपने घर को सजाती हूँ और अपने घर में पूजा पाठ बिल्कुल बुद्ध भगवान की करती हूँ और सारे घर को दीपों से जगमगाती हूँ। जय भीम। नमो बुद्धाय। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाएं आकर के अपना तन मन से यहाँ पर सहयोग दे रही हैं। उसी प्रकार से मैं चाहती तो हूँ वहाँ पर बोलूँ, मैं सभी सुने गानों को जिस तरीके से सुन रही हैं उसी तरीके से बाबा साहब के विचारों को अपने तन मन में लें और भगवानों को जितना हो सके उतना दूर करें और
मेरा सभी बहनों से कहना है, वही कहना चाहती हूँ, वहाँ भी कहना चाहती हूँ मैं कि ये गाने के द्वारा सुन रही हैं लेकिन आज यहाँ सुन करके कल छोड़ देती हैं, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। चाहिए कि आज भी बाबा हैं, बाबा साहब, और कल भी हैं और रहेंगे हमेशा, रखिए। भगवानों को पूजने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो अगर तन मन में ले लेंगी महिलाएं, मेरी बहन है, वही मैं चाहती हूँ, यही मेरे एक ही लाइन है, अंतिम प्रणाम। आज का कार्यक्रम इसकी ऑर्गेनाइजर महिला ग्रुप है पूरा, हमने हेल्प किया है और महिलाओं ने, इनका कोई संगठन नहीं है, निःशुल्क रूप से निस्वार्थ भावना से बाबा साहब के जन्मदिन में इन्हें इकट्ठा होना और महिला संगीत के लिए अनुरोध किया था, तो हमने जो हमारे ट्रस्टी हैं सबने दिल से सभी का स्वागत किया और आज इन्होंने एक बहुत अम्बेडकर भवन का ये सफलतम कार्यक्रम है और इसका सबसे बड़ा सदुपयोग आज हुआ है कि बाबा साहब के जन्मदिन पर आज ये कार्यक्रम हम कर पाए। आज बाबा साहब के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर ये बीना निगम के देख रेख में और उनकी मित्र मंडली ने ये कार्यक्रम रखा है और ये महिला कार्यक्रम है, ये शुरुआती है और शुरुआत में इस तरह का सफल कार्यक्रम पहली बार देखने को आगरा में मिला है और वो भी आवास विकास में जो इस भवन के अंदर हो रहा है, तो इसलिए आज इस सफल कार्यक्रम की सभी महिलाओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बाबा साहब के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना है। जय भी। आज अम्बेडकर ट्रस्ट भवन पर महिलाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में जन जागृति करना और बाबा साहब के बारे में अधिक से अधिक लोगों में प्रचार प्रसार करना, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी में बाबा साहब के बारे में जानें, उनके जो है बताए हुए रास्ते पर चलें और उनकी शिक्षाएं लें और बाबा साहब ने अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए और पूरे सर्व समाज के लिए क्या क्या किया, ये संविधान में कितनी कितनी व्यवस्थाएँ दी और उन्होंने जो है पूरे समाज के लिए भारत को ऐसा संविधान दिया जो कि पूरे विश्व में जो है विख्यात संविधान है, इसके बारे में पूरी जो है जन जागरण किया गया है। महिलाएं अक्सर जो है मतलब पीछे रह जाती थी और इसी उद्देश्य से कि महिलाओं में ये जन जागृति ज़्यादा होगी तो उन्हें बच्चों को बनाएंगे और महिलाओं से ही पूरा समाज जो है विकसित होगा, और मैं ये कार्यक्रम जो हुआ है, ऑर्गेनाइजर हैं उनको बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आशा करता हूँ कि भाई ये कार्यक्रम हमेशा होता रहे और महिलाओं में जन जागृति की बहुत आवश्यकता है और महिलाएं में जन जागृति होगी तभी हमारा समाज उत्थान कर पाएगा और हमारी जो उन्नति हो पाएगी। धन्यवाद। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज ये कार्यक्रम महिलाओं द्वारा किया गया है और जिसका ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया है। महिलाओं की जागरूकता समाज में बहुत आवश्यक है क्योंकि महिलाएं दो परिवारों को एक साथ शिक्षित और समृद्धिवान कर सकती हैं, तो यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि महिलाएँ वाकई जागृत हैं और इस संबंध में बहुत कुछ जानना चाहती हैं, बहुत कुछ दूसरों को बताना चाहती हैं और अपने परिवार को उन्नति की राह में जाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो कर रही हैं और हम इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई देते हैं। धन्यवाद। आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सकें और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।